अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सबा वसीम ब्लॉग में। आइए आज हम बनाते हैं चीज़ पनीर कॉर्न पराठा। उसके लिए हम सबसे पहले लेंगे आटा, उसमें हम डालेंगे नमक, स्वाद अनुसार नमक ये अपने टेस्ट के हिसाब से। उसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी, के बाद हम डालेंगे कोथमीर, एक चम्मच डालेंगे घी, अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी डाल के हम आटा अच्छे से बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से हमें डो बना लेना है। थोड़ा पानी और ऐड करेंगे, इसमें एक चम्मच डालेंगे भर के घी, एक चम्मच भर के घी डालेंगे। हमारा डो बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, जैसे हम नॉर्मल पराठे के भी आटा गूंथते हैं उस तरीके से बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। 5 मिनट हम आटे को रेस्ट करने रख देंगे। एक बाउल ले लेंगे, उसमें हम डालेंगे पनीर, एक छोटा बाउल पनीर डालेंगे, एक छोटा बाउल चीज़ ऐड करेंगे, इसमें हम डालेंगे कॉर्न, इसमें हम डालेंगे कोथमीर, इसमें हम ओरिगेनो डालेंगे, इसमें हम चिली फ्लेक्स डालेंगे। चिली फ्लेक्स आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, मैंने यहाँ पे 1 चम्मच भर के डाला है। अब जितना तेज़ खाते वो हिसाब से डालिएगा। 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच चाट मसाला, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कीजिए। नमक का थोड़ा ध्यान रखिएगा, चीज़ में भी नमक होता है। एक पैन ले लीजिएगा, डो को अच्छी तरीके से हम सॉफ्ट कर लेंगे। एक पेड़ा बना लेंगे हम, उसे भी अच्छी तरीके से सॉफ्ट करिएगा। सूखा आटा लगा लीजिए, इसे थोड़ा हाथों की मदद से बेल लीजिएगा इस तरीके से। इसे बिल्कुल रोटी तरीके से बेल लीजिए, पूरा जिस तरीके से हम रोटी या पराठा बेलते हैं इस तरीके से बेल लीजिए। जब तक कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। घी अच्छे से 1 चम्मच घी लगाइएगा, इसमें हम घी लगाएंगे 1 चम्मच, चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे, मिक्स करिएगा। स्टफिंग अच्छे से भरिएगा पराठे में, पराठे में स्टफिंग अच्छी रखिएगा आप, तो टेस्ट अच्छा आएगा। ट्रायंगल टाइप का हमें पराठा बनाना है। अब देखिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ, स्टफिंग भी उस तरीके से भरिएगा ट्रायंगल टाइप। फोल्ड कर लीजिए, दूसरी तरफ से भी फोल्ड करिएगा। अच्छे से दबा दबा के फोल्ड करिएगा, तीसरी तरफ से भी फोल्ड कर दीजिएगा। सूखा आटा लगा लेना है हमें,
दोनों तरफ सूखा आटा लगा के हल्के हाथ से बेलिएगा। किनारी मोटी नहीं रहे हमें ध्यान रखना है। अच्छे से जैसे हम नॉर्मल पराठे बनाते हैं उस तरीके से बनाइएगा। ट्रायंगल शेप का बेल लीजिए। हमारा पैन गरम हो चुका है, अब उसमें हम ऐड करेंगे पराठा। दो तीन मिनट एक तरफ से सेकिएगा, दूसरी तरफ पलटी कीजिएगा। इसमें हम ऐड करेंगे घी। इसे आप बटर में भी बना सकते हैं, घी में भी बना सकते हैं या ऑयल में भी बना सकते हैं। अच्छी तरीके से मैंने लगा लिया है घी। अच्छे से दबा दबा के सेकिएगा पराठे को। पलटी कीजिएगा। अच्छे से सेक लीजिए। देखिए ये रहा मेरा पराठा, अभी मैं आपको खोल के बताती हूँ। ये देखिए इस पर हमें चीज़ और पनीर ऐड करना है। बन जाए हमारा पराठा, इसमें चीज़ पनीर ऐड कीजिएगा। ऊपर से हम डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ी सी कोथमीर। देखिए हमारा पराठा रेडी हो चुका है। चलिए अभी मैं दूसरी तरीके से आपको पराठा बनाना है बताती हूँ। उसे रोटी की तरह बेल लेना है, चार कटिंग कर लेना है रोटी का। इसमें हम भरेंगे स्टफिंग। स्टफिंग हमें दो तरफ ही भरना है। अच्छे से स्टफिंग भर लीजिए। इसे फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। दूसरा भी हमें फोल्ड कर लेना है। चारों तरफ से अच्छे से फोल्ड कर लीजिए। इसे इसके ऊपर रखिएगा, अच्छे से दबाइएगा। थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे, हल्के हाथों से हम बेल लेंगे। ध्यान रखिए हमारी किनारी मोटी नहीं रहे। अच्छे से बेलना है ताकि हमारा पराठा अंदर तक अच्छे से सिक जाए। देखिए मैंने किस तरीके से बेला है। मैं पराठा सेक लेना है। अच्छे से घी लगाइए। दो तीन मिनट सेक लीजिए एक तरफ से, दूसरी तरफ से पलटी करके वापस दो तीन मिनट सेक लीजिए। देखिए मैं आपको बताती हूँ मेरा पराठा, ये रही इसकी लेयर। एक प्लेट में हम पराठा निकाल लेंगे। हमारा पराठा रेडी हो चुका है। इसमें वापस ऊपर से चीज़ और पनीर ऐड करेंगे। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये 2-3 लेयर दिख रही है आपको। अच्छे से चीज़ पनीर डालिएगा। 1 टेबलस्पून बटर डालिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।